हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकेंड कंप्यूटर सब्जेक्ट के सिलेबस, जिसे मैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करते हुए आपको बताते जाऊँगी, जो कि 2022-23 के लिए है और CBSE स्कूल के एक बुक है। इससे मैं आपको ये सिलेबस शेयर कर रही हूँ। पहला टॉपिक है इसका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसके अंतर्गत बच्चों को बताया जाता है कि मैन मेड एंड कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, मैन क्या क्या काम कर सकते हैं और कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। और साथ ही इस चैप्टर में उन्हें बताया जाता है व्हाट इट्स प्रॉपर्टीज, यानी किन गुणों के कारण कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है जिससे कि वह एक स्मार्ट मशीन कहलाता है। सेकेंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत क्लास सेकेंड में बच्चों को CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन चार मेन कंपल्सरी पार्ट के बारे में बताया जाता है, मेन पार्ट के बारे में बताया जाता है। साथ ही पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंतर्गत प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, DVD, पेन ड्राइव, UPS, वेब कैमरा, इन सभी के बारे में भी बताया जाता है कि ये क्या होते हैं और इसका यूज़ क्या है। थर्ड टॉपिक हो जाता है कंप्यूटर इट्स यूजेस। इसके अंतर्गत इस क्लास में बच्चों को कंप्यूटर्स के यूज़ किन किन फील्डों में कर सकते हैं और उन फील्डों में कंप्यूटर का क्या यूज़ किया जाता है ये बताया जाता है। फॉर एग्जांपल होम, बैंक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, इन सभी में कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो बैंक में हम कंप्यूटर्स का यूज़ क्या करते हैं, जैसे कि पेमेंट रिसीव करना, रेलवे स्टेशन पे टिकट बनाना, होम में हम करते हैं प्रोजेक्ट वर्क बनाना, लिसनिंग म्यूजिक, मेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, सेंडिंग रिसीविंग मेल, ये सारे हम होम में काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनके यूज़ क्या है और किन किन फील्डों में वो काम आते हैं ये बताया जाता है। चैप्टर फोर हो जाता है कंप्यूटर हाउ इट्स वर्क। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि कंप्यूटर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसे ही इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को अच्छे से समझाया गया है और इससे बताया गया है कि किस प्रकार कंप्यूटर काम करता है। नंबर फाइव के अंतर्गत आ जाता है माउस। माउस के अंतर्गत बताया जाता है कि माउस को होल्डिंग एंड मूविंग कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक क्या होता है, माउस पैड, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होते हैं और इसे कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर में उन्हें बताए गए हैं। नंबर सिक्स कीबोर्ड एंड इट्स की। इसके अंतर्गत इन्हें कीबोर्ड्स में अल्फाबेट की, नंबर्स की, स्पेशल कैरेक्टर की एंड सम स्पेशल की, इन चार भागों में डिवाइड करके इसे बताया जाता है। सम स्पेशल की के अंतर्गत इन्हें स्पेस बार, कैप्स लॉक, एंटर की, एरो की, बैक स्पेस की, डिलीट, शिफ्ट की, नम लॉक की, ये सारे की के बारे में जानकारी दी जाती है। एंड लास्ट हो जाता है MS Paint। इसके अंतर्गत इन्हें बताया जाता है हाउ टू ओपन MS Paint, पार्ट्स ऑफ MS Paint विंडो, ड्रॉ रेक्टेंगल सर्कल कैसे किए जाते हैं, फिर ड्रॉ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, लाइन्स की थिकनेस अलग अलग तरह से कैसे ड्रॉ की जा सकती है, पेंटिंग बाई ब्रश टूल्स, ब्रश टूल्स के द्वारा पेंटिंग करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश टूल्स कौन कौन से होते हैं, उसके क्या कैसे यूज़ करते हैं, एंड फिलिंग कलर इन सेप, सेप में हम कलर कैसे फिल करते हैं और अपनी ड्राइंग को हम इरेज कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स उन्हें इस चैप्टर के अंतर्गत बताए जाते हैं। साथ ही हर चैप्टर में चैप्टर्स के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। सी द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड, लुक एट पिक्चर एंड राइट नेम्स, इसके अंतर्गत इन्हें पिक्चर दिए जाते हैं, उनके नाम लिखने होते हैं या पिक्चर्स दिखाकर उनके वर्ड को कंप्लीट करना होता है। टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, पिक्चर्स के द्वारा भी मैच करना बताया जाता है कि एक पिक्चर दिया गया जैसे होम का और इसके वर्क क्या हो रहे हैं वो दूसरे साइड लिखे होते हैं या फिर दोनों साइड लिखे होते हैं, जैसे बैंक में हम क्या काम करते हैं, हाउस में क्या काम करते हैं, तो दोनों साइड लिखे होते हैं, इसको मैच करना होता है। फिर आंसर इन वन वर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग टू सेंटेंस में ऑलमोस्ट उन्हें लिखना होता है।
सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो एंड बॉक्सिंग। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।